हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीटी मंत्रा। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, ये है वाटरमेलन का जूस। वाटरमेलन का जूस आप घर पे इजली बना सकते हैं और वाटरमेलन में पानी की मात्रा अधिक होती है और हमारा शरीर भी 90% पानी से ही बना होता है, तो हमें गर्मियों के मौसम में पानी वाले फ्रूट्स खाने चाहिए। ये मैंने आधा वाटरमेलन छील के पीसेस में कट करके ले लिया है और इसके मैंने बीज नहीं निकाले हैं। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लिया है। 10 से 12 पत्तियां मैंने पुदीने की ली हैं। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप पुदीने की जगह तुलसी की पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं। पुदीने की पत्तियों को मैंने इसमें डाल दिया है। आधा नींबू का रस मैंने लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच मैंने काला नमक लिया हुआ है, काला नमक भी इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे चीनी का यूज नहीं किया है। अगर आपको जूस ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें चीनी का यूज कर सकते हैं। अब इसको पीस लेते हैं। पीस के मैंने वाटरमेलन का जूस ले लिया। अब इसको बड़ी छन्नी की सहायता से आप छान लीजिए, जिससे कि इसके सारे बीज अलग हो जाएं और हमें वाटरमेलन का जूस मिल जाए। गर्मियों के मौसम में हमें पानी वाले फल खाने चाहिए, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे और हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। सारा जूस मैंने निकाल लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वाटरमेलन का जूस बनके तैयार है। इसे मैंने एक ग्लास में ट्रांसफर कर लिया है और एक नींबू की स्लाइस भी मैंने ऊपर कट करके लगा दी है और तरबूज की भी एक छोटी सी स्लाइस मैंने लगाई है और पुदीना से मैंने इसे सजा दिया है। वाटरमेलन का जूस बनके तैयार है। थैंक यू।